चलिए जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। अंक ज्योतिषी टैरो कार्ड रीडर प्रियराज बताएं कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ प्रियराज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच, और आपका बहुत स्वागत है MH1 के खास कार्यक्रम वेक अप एस्ट्रो में। आज आपसे बात करते हैं आज के राशिफल की। 2024 कैसे चल रहा है आप सबका, जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से और न्यूमरोलॉजी की मदद से। न्यूमरोलॉजी क्या होती है, नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करें अपना न्यूमरोलॉजी टोटल, इस बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम अंक ज्योतिष कहते हैं। क्या फायदे होते हैं न्यूमरोलॉजी के? न्यूमरोलॉजी से पता चलता है कैसे रहेंगे आपके प्लैनेटरी पोजीशंस, कौन से प्लैनेट्स हैं आपके लिए बहुत फ्रेंडली, कौन से फायदा देंगे आपको और कौन से दे सकते हैं थोड़ा सा नुकसान, जिसको हम रेमेडीज के फॉर्म में ठीक कर सकते हैं। कौन से क्रिस्टल्स आपको सूट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए, कौन से प्लैनेट को, कौन से भगवान को ज्यादा प्लीज करने की जरूरत है और कौन से आपके फेवर में है, ये सब चीजें पता चलती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और नेम न्यूमरोलॉजी होती है कि आपके नेम अल्फाबेट की वाइब्रेशंस मैच कर रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ से या नहीं, उससे पता चलता है कि क्या आपका नेम आपके फेवर में है या नहीं, क्या वो आपको पूरी एनर्जी, पूरा पॉजिटिविटी दे रहा है या नहीं। दैट इज कॉल्ड नेम न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें आप अपना न्यूमरोलॉजी टोटल। तो अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 20 तारीख फॉर एग्जाम्पल, तो आप 2 + 0 करिए तो बनता है नंबर 2, तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर बना न्यूमरोलॉजी नंबर 2। तो आपकी पर्सनालिटी होगी नंबर 2 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कि होती है काफी इमोशनल और काफी मूड स्विंग से भरी हुई। तो आज आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड टैरो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1। आपके लिए आज का दिन लेकर आ रहा है खूब सारी हैप्पीनेस, बहुत द वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत ही सारी अच्छी खबर आने की इंडिकेशन है। ये कार्ड इंडिकेट करता है शायद एक फैमिली गेट टुगेदर, रिलेटिव्स के साथ में वापस से रीयूनियन होगा, फ्रेंड्स के साथ आज आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पार्टी जैसा, सेलिब्रेशन जैसा माहौल बनेगा, या तो आपके घर में या तो आप बाहर जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी के फंक्शन में आप जा सकते हैं, किसी की वेडिंग, किसी की बर्थडे पार्टी। तो आज के दिन सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ओवरऑल आज का दिन आपके लिए रहेगा खूब ज्यादा मस्ती भरा, खूब ज्यादा हैप्पीनेस से भरा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 2, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2 तारीख 11 तारीख 20 तारीख और 29 तारीख, तो आपका टोटल बना नंबर 2। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 6 of Pentacles, मनी रिलेटेड कार्ड। आज के दिन अपने बिजनेस माइंड को थोड़ा सा एक्टिव कीजिए, तो आप देखेंगे कि आज के दिन आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। काफी लकी कार्ड है ये आपके लिए। अगर आप बिजनेसमैन है या आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए आज का दिन लेकर आ सकता है बहुत सारी मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, तो उन पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा तो आपके लिए रहेगा काफी बेहतर। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप है मूलांक 3 न्यूमरोलॉजी नंबर 3। आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। आप अपने फोकस पे मेंटेन रखिए, जिस डायरेक्शन, जिस गोल की तरफ आप इस साल बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके, तो उस पे आज आप काफी अच्छे से फोकस कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, आपको मौका मिलेगा अपने गोल्स को पूरा करने का। आज कोई ना कोई अच्छे कनेक्शन बन सकते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप बनने का इंडिकेशन है, तो उसे पूरे फॉर्म में आप यूज कीजिएगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 4, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख 13 तारीख 22 तारीख और 31 तारीख, तो आप है मूलांक 4 न्यूमरोलॉजी नंबर 4। आपके लिए जो कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज थोड़ी सी एनर्जी लेकर आइए, किसी भी काम में आज आपने लेजी नहीं होना,
थोड़ा सा एक्टिवनेस लेके आइए अपने रूटीन में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप आज लेजी हो गए तो पूरा दिन आपको आपको वेस्ट लगेगा, पूरा दिन आपको लगेगा कि आज आपने कुछ क्रिएटिव किया ही नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं है। थोड़ा सा लेजीनेस से भरा डे जरूर है, लेकिन उसको आपने फाइट बैक करना है, थोड़ा एक्टिवनेस लेके आनी है। जितने आपके पुराने पेंडिंग काम है उसे आज आप कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा लेजी ना होके एक्टिव होंगे तो आप देखेंगे आपके काफी सारे पेंडिंग काम आज कंप्लीट हो सकते हैं। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 5। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 5। आपके लिए जो आज कार्ड आया है वो इंडिकेट कर रहा है कुछ मनी रिलेटेड पॉसिबिलिटीज। आपको आज पैसे से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ओवर स्पेंड कर सकते हैं आज, तो आज अपने खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। अगर आज आप शॉपिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आज आप कुछ स्पेशल कुछ अच्छी बड़ी चीज खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ओवर वेस्ट ना करें चीजों को, आप ओवर स्पेंड ना करें। थोड़ा सा आज अपने खर्चे पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, वरना कल आपको रिग्रेट होगा कि बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया या थोड़ा सा वेस्ट हो गया। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो आप है मूलांक 6 न्यूमरोलॉजी नंबर 6। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आज शेयरिंग, डोनेशंस, दान। थोड़ा सा आज शेयरिंग में बिलीव कीजिए। आपके पास में अगर इफ यू हैव अलॉट, आज दूसरों को भी दीजिए। तो थोड़ा सा आज के दिन दान पे फोकस कीजिए, हेल्प कीजिए जरूरतमंदों की। आज आप जितनी मदद करेंगे, जितना खुले दिल से दान करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको मिलेंगी शनि की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ये वैसे भी कार्मिक ईयर है, शनि का ईयर है, तो थोड़ा सा सारी राशियों को, सारे नंबर्स को फोकस करना चाहिए दान की ओर। तो इस आज के दिन आप स्पेशली दान की तरफ अपना ध्यान जरूर दीजिएगा। आप कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, थोड़ा सा डोनेट कीजिए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो आपको कंफर्टेबल लगे आज आप जरूर दान दीजिएगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 7। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, तो आप है मूलांक 7 न्यूमरोलॉजी नंबर 7। आपके लिए जो कार्ड आया है वो थोड़ा सा आपको वार्निंग दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आपको कहीं से थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिल सकता है, कोई आपके फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। तो आज के दिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, आप किससे क्या बात शेयर कर रहे हैं, सबके साथ में ओवर शेयरिंग मत कीजिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल्ड फिल्टर करके बात कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा मनी लॉस का इंडिकेशन आ रहा है कार्ड में, तो थोड़ा सा पैसे को लेके, पैसे के लेन देन को लेके आज थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, अपने वॉलेट, अपने पर्सेस का ध्यान दीजिएगा, पैसे इधर उधर आपके ना हो, जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप है मूलांक 8 न्यूमरोलॉजी नंबर 8। 8 शनि का ईयर भी है, 2024 इज ऑल्सो द ईयर ऑफ शनि, नंबर 8 ईयर है, तो स्पेशली आपके लिए ये साल काफी लकी हो सकता है, लेकिन आज का दिन भी आपके लिए है काफी सुपर लकी। आज के दिन आप कोशिश कीजिएगा कि किसी ओल्ड लेडी या किसी ओल्ड एज होम में जाके आप सेवा करें। सेवा नहीं कर सकते तो जाके वहां दान दीजिए इन कैश और काइंड, तो आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स। शनि आपको ब्लेस करेंगे इन ऑल वेज पॉसिबल, और आप देखेंगे कि आपको उससे मिलेगी काफी ज्यादा मेंटल पीस। आपके लिए एक चीज मैं एडवाइस करूंगी, दिस इज द ईयर ऑफ शनि, इस साल आप बिल्कुल भी नॉन वेज का सेवन ना कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज कैन ऑल्सो अराइज। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 9। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आप है मूलांक 9 न्यूमरोलॉजी नंबर 9। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है थोड़ी सी अपनी रफ्तार को स्लो डाउन कीजिए।
आज के दिन आप थोड़ा सा रेस्ट मोड पे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ी सी अपनी इनर सेल्फ को डिस्कवर कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा काम डाउन होने की कोशिश कीजिए। आप में है क्योंकि आप 9 नंबर है, मंगल का नंबर, मंगल में होती है बहुत सारी एनर्जी। तो आज के दिन अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, ओवर एग्जर्ट ना कीजिएगा आज के दिन, अदरवाइज इट कैन ब्रिंग अ लिटिल हेल्थ इश्यूज। तो आज थोड़ा सा रेस्ट मोड पे रहिए, चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और पूरा दिन आराम से इंजॉय कीजिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। अब बात करते हैं 2024 की स्पेशल टिप ऑफ द डे। तो क्या है 2024 की स्पेशल टिप या महा रेमेडी या महा उपाय जो आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं, हर राशि वाले, हर न्यूमरोलॉजी नंबर वाले जिनका बर्थडे किसी भी डेट को आता है, आप सब ये चीज जरूर फॉलो कीजिएगा। 2024 को अगर हम ऐड करते हैं तो बनता है नंबर 8, द ईयर ऑफ शनि, द ईयर ऑफ कर्मा। शनि इज द गॉड ऑफ कर्मा। शनि आपका खाता, हिसाब किताब सब रखते हैं आपके अच्छे और बुरे कर्म का। शनि को कैसे प्लीज करते हैं, इस साल आप किसी ना किसी एनजीओस के साथ अपने आप को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और विद कनेक्शन आई मीन कि वहां पे जाके सिर्फ डोनेशन नहीं देनी, आपने सेवा करनी है। ये साल सेवा का साल है। आप जितनी एनजीओस के साथ कनेक्ट होके सेवा करेंगे, खुद फिजिकली जाके वहां पे हेल्प करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आएंगे खूब सारे पॉजिटिव चेंजेस। सेवा का मतलब सिर्फ पैसे देना, डोनेशन देना नहीं होता है। सेवा का असली मतलब होता है कि आप खुद फिजिकली जाके उन सबके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी हेल्प करें, उनको जिस चीज की जरूरत है उसमें उनको गाइडेंस दें। तो ये है एक्चुअल सेवा। अगर आपके पास में टाइम नहीं भी है तो भी थोड़ा समय निकाल के जरूर सेवा कीजिए, एनजीओस के साथ कनेक्ट होइए, भले ही वो ओल्ड एज होम एनजीओस हो, चिल्ड्रन एनजीओ हो या एनिमल एनजीओ हो। आप किसी भी एनजीओ के साथ कनेक्ट होंगे ये साल तो आपको खुद को अंदर इंटरनल पीस फील होगी और आपकी कार्मिक डीड्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, एंड शनि विल ब्लेस यू इन ऑलवेज पॉसिबल। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये खास एपिसोड। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं हूँ प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कोच। हैव अ वेरी नाइस डे।